जैसे बुखार टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ऐसे ये समस्याएं भी बढ़ती हैं। चिंतन इस बात को लेकर होना चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप साल में एक बार मिलते हैं, इस बात पे चिंतन करिए जिसके कारण हमारे पूर्वजों ने अपना घर मकान खेत खलिहान कश्मीर से छोड़ा, आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को दोबारा कुछ न छोड़ना पड़े, वो समाधान क्या है। मेरा यह मानना है वो समाधान है समान शिक्षा। मेरी पीआईएल चल रही है, मैंने ये कहा है कि जब तक नफरत के स्कूल चलते रहेंगे तब तक भारत में शांति समृद्धि आना नामुमकिन है। हम लोग बोलते हैं ना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप जानते हैं, हो सकता मैं गलत भी हूं, लेकिन इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधर्म का नाश है। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय 100% होगी। धर्म की जय करने से प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी, अधर्म का नाश करने से प्राणियों में सद्भावना 100% होगी। और ये हम जो सरकारें चुनते हैं उनका काम है अधर्म का नाश करना। अधर्म का नाश करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, परमाणु बम नहीं चाहिए, अग्नि मिसाइल नहीं चाहिए, ब्रह्मोस नहीं चाहिए, केवल कठोर दंड व्यवस्था चाहिए। शांति तभी आती है। कुम्हार अच्छी मिट्टी बनाता होगा, आपने देखा होगा एक हाथ उसका नीचे होता है, एक हाथ उसके ऊपर होता है, ऐसे ही होता है ना। अंदर वाला हाथ है शिक्षा व्यवस्था, ऊपर वाला हाथ है दंड व्यवस्था। नीचे से वो मिट्टी को सहला सहला के ऊपर उठाता है और ऊपर वाले हाथ से दबा के रखता है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि दिमाग में नफरत आए ही ना, पाक नापाक का विचार ही ना आए, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का विचार ही ना आए। शिक्षा ऐसी हो कि सभी बच्चे वसुधैव कुटुंबकम पढ़े, सभी बच्चे नारी तू नारायणी पढ़े, सभी बच्चे सर्वपंथ संभाव पढ़े, तभी तो आएगी आपस में प्रेम भाईचारा, तभी होगा ना। अगर बचपन से शुरू सुनते रहेंगे नहीं 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं, तो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी तो बचपन से ही आ गई। अगर दिन में 5 बार ये बोला जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं, इसका मतलब न राम पूजा के लायक, न कृष्ण पूजा के लायक, न विष्णु पूजा के लायक, न शंकर पूजा के लायक, न लक्ष्मी पूजा के लायक, न गणेश पूजा के लायक, तो वो सर्वपंथ संभाव आएगा कैसे। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक देश के सभी बच्चों की एक किताब लागू करना पड़ेगा, 10वीं तक सभी बच्चों के लिए कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम लागू करना पड़ेगा। जैसे भारत में एक रेलवे बोर्ड है ऐसे ही वन एजुकेशन बोर्ड लागू करना पड़ेगा। जैसे भारत में एक जीएसटी काउंसिल है एक एजुकेशन काउंसिल बनानी पड़ेगी। कश्मीर वाला कश्मीरी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, सिलेबस करिकुलम कॉमन करना पड़ेगा। न मिशनरी स्कूल चले न मदरसा स्कूल चले, भारत में 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। यह हुआ कुम्हार का अंदर वाला हाथ जो उसको ठीक से संस्कार दे रहा है, दूसरा ऊपर वाला कठोर दंड व्यवस्था और जस्टिस विद इन ईयर। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर FIR, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल में फैसला। जस्टिस विद इन, वहां तो जस्टिस विद इन मंथ होता है, सऊदी अरेबिया में तो जस्टिस विद इन मंथ होता है। मैं जस्टिस विद इन मंथ पे नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जस्टिस विद इन ईयर करो। हेट स्पीच को डिफाइन करिए पहले। दुर्भाग्यवश आप देखिए भारत में इतनी हेट स्पीच हेट स्पीच हेट स्पीच की बात हो रही है, हेट स्पीच किसी कानून में डिफाइन ही नहीं है। और मैं सीधे सीधे कह रहा हूं किसी भी सरकार ने हेट स्पीच को डिफाइन करने की हिम्मत नहीं दिखाया, क्योंकि जिस दिन हेट स्पीच डिफाइन हो जाएगी भारत में बहुत सारी तकरीरें हेट स्पीच के दायरे में आ जाएंगी, बहुत सारी किताबें हेट स्पीच के दायरे में आ जाएंगी।
इसलिए जानबूझ के कानून में हेट स्पीच को डिफाइन ही नहीं किया जा रहा है। हेट स्पीच है क्या? आपको यह जान के आश्चर्य होगा, आप टीवी में सुनते होंगे हेट स्पीच हो गया, हेट स्पीच हो गया। हेट स्पीच क्या है? कानून में कहीं नहीं लिखा। मैंने पीआईएल फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये सुबह से शाम तक हेट स्पीच होता रहता है, एक बार हेट स्पीच को डिफाइन तो कर दो। हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा और दंड व्यवस्था आपको सठे साठ्यम समाचरित, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। अंग्रेजों वाला कानून कब तक चलता रहेगा? तो आपको पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये जो सोच, जिस सोच के कारण हमारे आपके पूर्वज मीरपुर छोड़ के आए या पुंछ छोड़ के आए या कश्मीर छोड़ के आए, तब वास्तव में हम उनके उनको सही तरीके से अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे। नहीं तो, और ये काम करना यही सरकार की ड्यूटी है भाई। हमारे वैज्ञानिक 7,500 किलोमीटर मार करने वाली अग्नि मिसाइल बना सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान बना सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक अभी आदित्ययान सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, मंगलयान बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, तो हमारा कानून मंत्रालय दुनिया का सर्वोत्तम कानून नहीं बना सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? कोई लागत है क्या? अरे भैया एक चीज बताइए, आपके घर में अगर बार बार पावर ट्रिप हो रही है, बिजली जा रही है और पड़ोस में नहीं जा रही है, तो आप जाके पड़ोस में पूछते हो ना, भाई साहब ये बताओ आपके यहां बिजली क्यों नहीं जा रही, हमारे यहां तो रोज रोज जा रही है, पूछते हो नहीं पूछते हो? या आपके घर में रोज ताला टूट रहा है, पड़ोस के यहां चोरी नहीं हो रही, ताला टूट नहीं रहा, तो आप उससे पूछते हो भैया तुमने कौन सा ऐसा ताला लगाया, तुम्हारा ताला तो टूटता नहीं, हमारा ताला तो रोज चोरी होती रही, पूछते नहीं पूछते? अरे यहां इतनी समस्याएं हैं, हम आसपास के देशों में देखते ही नहीं है कि वहां चल क्या रहा है। हमारे सारे नेताओं के पास आईफोन है, अमेरिका वाला, सारे नौकरशाहों के पास आईफोन है अमेरिका वाला, लेकिन कानून अपने डेटा को सुरक्षित करने के लिए आईफोन लेके घूमते हैं, लेकिन भारत को सुरक्षित करने के लिए, भारत की संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, सनातन संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, सनातन धर्म को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका वाला कानून नहीं लेते। अगर अमेरिका में 26/11 के बाद दोबारा कुछ नहीं हो रहा है, अमेरिका में सरतन से जुदा नहीं हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा ना हमारा कानून क्या है, अमेरिका कानून क्या है। अब जानते हैं अंतर क्या है? हमारे यहां मर्डर की एक धारा है 302, गोली मार दो तो भी 302, गला दबा दो 302, कार से दबा दो तो भी 302, कुछ भी कर दो 302। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, किलिंग अलग, हेट क्राइम अलग, टेररिज्म क्राइम अलग, 10 धाराएं। और आपको जान के आश्चर्य हुआ, अमेरिका में 6,000 साल सजा होती है मर्डर करने पर, 8,000 साल सजा होती है, 10,000 साल सजा होती है, आदमी जिंदा नहीं रहता, लेकिन मैसेज देने के लिए कि तुम्हारा अपराध इतना ज्यादा है कि तुम्हें 10,000 साल सजा हुई है, उसके बच्चों को मैसेज देने के लिए, उस पूरे एरिया को मैसेज देने के लिए कि तुम्हारे यहां एक गद्दार ऐसा पैदा हुआ तुम्हारे गांव में जिसको 10,000 साल सजा हुई है, इसलिए वहां शांति है। बाकी तो छोड़ दीजिए, आपके दिल्ली में चोरी लूट झपटमारी होती है, दिल्ली में रात को 12-1 बजे कनॉट प्लेस में घूमने में डर लगता है, शॉपिंग करने में डर लगता है, लाजपत नगर में घूमने में डर लगता है, दुबई में रात को 2 बजे घूमने में डर क्यों नहीं लगता? लाजपत नगर में हमारी बहन बेटियां रात को 2 बजे घूमने में डरती है, दिल्ली में नहीं घूमती, दुबई में नहीं डरती, क्यों? सठे साठ्यम समाचार। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। 80% समस्याओं का समाधान कानून है। केवल भूकंप, बाढ़, सुनामी या ऐसी समस्याएं छोड़ दीजिए
जो प्राकृतिक आपदा है, मैं कहता हूं 80% समस्याओं का इलाज संसद और सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश समस्याओं की वाई एनालिसिस नहीं हो रही है, समस्याओं के जड़ पे चर्चा नहीं हो रही है, मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही है, स्थायी समाधान पे चर्चा नहीं हो रही है, सतही तौर पे चर्चा हो जाती है, कहीं पे पलायन हो गया, 3 दिन मीडिया में बहस हो गई, पलायन किस सोच के कारण हुआ, उस सोच का मूल कारण क्या है, उसका स्थायी समाधान कभी आपने टीवी में चर्चा सुना नहीं होगी। उदयपुर में कन्हैया को मार दिया, 1 हफ्ते तक चर्चा हो गई, टीआरपी हो गई, वीडियो फायर शेयर हो गए, फेसबुक ट्विटर पे वीडियो आ गए, कन्हैया तेली को किस सोच ने मारा, उस सोच का मूल कारण क्या है, उस सोच का स्थायी समाधान क्या है, खत्म। तो कभी फला कभी कन्हैया, कभी ये, कभी रामकुमार, कभी हिना तलरेजा, कभी डॉक्टर नारंग, कभी ये, कभी गंजू जी, कभी टकलू जी, एक के बाद एक हत्याएं होती जा रही। भारत का जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए, कठोर कानून हो जाए, जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए और शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, मैं कह रहा हूं सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज के लिए इतना ही, शेष बातें हम आपसे फिर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।